हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार की न्यू भर्ती में। आपको पंचायती राज विभाग की ओर से यह वैकेंसी निकाला गया है और यह पंचायत में ही जॉब होगा, आपके अपने पंचायत में। यह जॉब कब तक रहेगा इसकी सारी जानकारी आप लोग को मिलेगा और अंतिम डेट 21/10/2022 तक है। इनका आवेदन करने का जो लिंक है मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ पंचायती राज विभाग में, जिसका आवेदन आपको लास्ट 21/10/2022 तक है। इसमें आवेदन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखेंगे और इस रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। देखते हैं इसका प्रोसेस में क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। लोग देख सकते हैं मैं इसका PDF डाउनलोड कर चुका हूं। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, जैसे कि यहाँ पर विज्ञापन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2022 हो गया है। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या इतना के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे बिहार पटना के संकल्प सह पठित ज्ञापक संख्या इतना के अंतर्गत आप लोगों को लिया जा रहा है। बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के रिक्त पदों के विरुद्ध केंद्र सरकार के कार्यालयों, संस्थानों तथा महालेखाकार, इंडियन डिफेंटर अकाउंटेंट, इंडियन सिविल अकाउंटेंट और इंडियन रेलवेज अकाउंटेंट, इंडियन पोस्टल अकाउंटेंट, बिहार वित्त अंकेक्षण सेवा, बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा अन्य के अंतर्गत सेवानिवृत्त अंकेक्षकों, अंकेक्षण अधिकारी की यहां पे आप लोग को ऑनलाइन लिया जा रहा है। यहां पे बताया जा रहा है कि संविदा आधारित अंकेक्षण, अंकेक्षक, अंकेक्षण अधिकारी हेतु आरक्षणवार पदों की संख्या है। तो संख्या मैं दर्शा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग संख्या देख रहे हैं। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष, महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, कुल मिलाकर पोस्ट की बातचीत की जाए तो 321 हैं। संविदा पर नियोजन होगा। यहाँ पे आवेदन भारत सरकार का नागरिक होना चाहिए और सेवा निवृत्त अंकेक्षक, अंकेक्षण अधिकारी का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा यहाँ पर बात की जाए तो मैं बता दूँ 10/7/2015 के उपलब्ध अंतर्गत होना चाहिए। चयन प्रथम 2 वर्षों तथा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होना चाहिए और एक एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार, उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जाएगा। आपका कार्य अगर संतोषजनक रहा तो एक एक वर्ष उस कार्य को बढ़ाया जाएगा। आपका उम्र दिनांक 1/12/2022 को 64 वर्ष और 06 माह की उम्र पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे बात की जाए तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, मानदेय में सीधा निवृत्त कोई नहीं होगा। आपको महंगाई भत्ता योगफल की राशि, पेंशन की राशि की महंगाई भत्ता राशि घटाने के बाद भी राशि प्राप्त होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है पंचायती राज विभाग उपलब्ध लिंक आप लोग यहाँ पर देखिए https://statebihar.government.in बिहार पेड पर आप लोग को विज्ञापन संख्या प्रकाशित हैं। 21/10/2022 के अपराह्न 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, तो आप लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके अपने पंचायत में ही यह जॉब मिलेगा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। ऑनलाइन आवेदन शुरू है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बहुत एक बड़ा वैकेंसी माना जा रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसमें अपना योगदान शुरू कर दें अपना। जैसे कि आप लोग को बताया जा रहा है कि काफ़ी वैकेंसी ऐसा है जो बिहार सरकार के अब एक रेगुलर आने लगा है। काउंसलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, यह आप लोग सुनिश्चित कर लें। मैं हमेशा आप लोगों को लिए एक नया से नया अपडेट वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं भी हमेशा चाहता हूँ आप लोगों के लिए एक सही जानकारी लेके आएँ। मेरे वेबसाइट को विजिट कर ले, वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेरे फेसबुक पेज को भी फ्रेंड फॉलो कर ले, जो कि आप लोग को लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे। हमेशा अपडेट रहूँगा आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।